आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरें। राजधानी लखनऊ में विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते सदन की कार्यवाही के बीच से ही राम गोविंद को सिविल अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उन्हें लोहिया अस्पताल में रेफर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अचानक से उन्हें पसीना आने लगा और घबराहट होने लगी, इसके चलते उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनके साथ सिविल अस्पताल स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी पहुंचे थे। विधानसभा की कैंटीन में इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कैंटीन की लाइट बंद करके लोगों को बाहर निकाल दिया गया। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन व FIR लिखवाने का मामला हमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज लखनऊ हजरतगंज थाने में आज बहुजन मुस्लिम महासभा के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर पहले थाने के बाहर वसीम रिजवी के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद थाने में रिजवी के खिलाफ एक तहरीर दी और उनके खिलाफ मुकदमा लिखने की भी मांग की। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से तहरीर ले जांच कर कार्रवाई करने की बात की। मैं शेख ताहिर सिद्दीकी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता बहुजन मुस्लिम महासभा। मांग हमारी यह है कि वसीम रिजवी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक आतंकवादी शाखा बताया है और ये बिना तथ्यहीन बात है। जब भी ये कोई बात करते हैं बिना तथ्यों के करते हैं। इस वजह से हम लोग हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ एक FIR लिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो देश के अमन चैन को और मुस्लिम समुदाय को और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं वो हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। क्योंकि उनके वो कह रहे हैं कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक आतंकवादी शाखा है और इस शाखा का काम जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो संगठन है आतंकवादी, वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके कहने पर ये लोग आदेश देते हैं। क्या उनके पास ऐसे तथ्य हैं? अगर तथ्य हैं तो उस शाखा के ऊपर FIR लिखा करके उसको जो है बंद करवाएं। अगर तथ्य नहीं है तो उनके खिलाफ जो है फर्जी जो है आरोप लगाने का मुकदमा चलना चाहिए। राजधानी लखनऊ में सीएम आवास के बाहर 5 KD चौराहे पर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मांग की कि सीएम योगी समाजवाद को आतंकवाद से जोड़ने के लिए अपने बयान पर माफी मांगी। छात्र सभा के प्रदर्शनकारी 2 दर्जन कार्यकर्ता समेत सीएम से मिलने की मांग पर अड़ गए। पुलिस कर्मियों ने उन्हें 5 KD चौराहे से अंदर कालीदास मार्ग जाने पर रोक दिया तो सभी छात्र वहीं चौराहे पर धरना देकर बैठ गए। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उनका ज्ञापन लेकर सीएम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और उन्हें रास्ता खाली कराने की कोशिश की, लेकिन जब काफी देर समझाने बुझाने के बाद छात्र सभा के कार्यकर्ता वहां से हटाने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उन्हें वहां से खदेड़ दिया। चौराहे पे समाजवादी छात्र सभा के कुछ लड़कों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है ये और यहाँ पर कहते हैं प्रदर्शन करने से यातायात बाधित होता है। यहाँ से के निरंतर VIPs का आवागमन बना रहता है और आकर के यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फिर उनकी कुछ मांगे थी, जिस पर इसे कहा गया कि आप अनावर्शन करना लक्ष्मण मेला मैदान जाएं, अन्यथा जो है GPO पे तैयार नहीं हुए, इसलिए उनको सख्ती से साथ यहाँ से उनको हटा दिया गया। नवाबों की नगरी लखनऊ में वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रेमी युगल पार्कों में नजर आए। कहा जाता है कि 14 फरवरी प्यार का दिन, प्यार का दिन कहा जाने वाला वैलेंटाइन डे का कुमार बुधवार को लखनऊ में दिखने को मिला। प्रेमी जोड़ों ने खुलकर अपने प्यार का इजहार करना चाहा, लेकिन एक तरफ जहां लखनऊ विश्वविद्यालय ने कल सूचना जारी की थी कि वैलेंटाइन डे लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं मनाया जाएगा, तो वहीं आज बेगमत राय फैमिली अब अवध में विरोध करते हुए एंटी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया। बस मेरा यही कहना है कि आप लोग को जो भी करना है वेस्टर्न कल्चर अगर आपको अडॉप्ट करना है तो ठीक है आप करिए, बट एटलीस्ट पब्लिक में तो मत कीजिए। इसका भी ख्याल रखिए कि ये इंडिया है और इंडिया हमारी संस्कृति के लिए जाना जाता है, हमारी तहजीब हमारे कल्चर के लिए जाना जाता है। ठीक है अगर आपको वेस्टर्न पॉलिसीज फॉलो करनी है करिए, बट एटलीस्ट आप पब्लिक प्लेसेस पर ये सब चीज़ें मत कीजिए। बहुत वल्गर लगता है, यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, हर कोई आता है। मॉर्निंग वॉक के लिए ओल्ड पीपल आते हैं, इवनिंग वॉक्स पर आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं और जब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि ये सब वल्गैरिटी हो रही है तो उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है, वो लोग फिर आना बंद कर दे रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि इवनिंग वॉक्स मॉर्निंग वॉक्स पार्क में आना और यहाँ की फ्रेश एयर लेना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बट वो लोग कैसे आएँ? जब वो लोग यहाँ आते हैं तो लोग वल्गर हरकतें कर रहे होते हैं, चीफ हरकतें कर रहे होते हैं, इस वजह से वो लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। वैलेंटाइन डे मनाना ज़रूरी नहीं है, मना सकते हैं आप पब्स वगैरह पे मना सकते हैं, बस पब्लिक प्लेसेस पे मनाना हमें नहीं लगता कि अच्छी बात है, क्योंकि जो है जो हमारे
जो यूथ्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही अब कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। तो उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पार्क में अश्लील हरकतें कर रहे हैं। ये सब हम लोग मतलब कह रहे हैं कि पार्कों में ना करें, कहीं और जाके करें। तो ये थी अब तक की हमारी कुछ खास खबरें। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉग इन करें www.खबरोंकीदुनिया.com। नमस्कार।